हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पतंजलि के गिलोय घन वटी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। मैं आपको बताने वाली हूँ इसके यूजेस के बारे में और इसे हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके हम अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बाकी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस बात की वीडियो शुरू करते हैं। गिलोय घन वटी को बहुत से रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। इसका सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि ये एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे हमें किसी भी इन्फेक्शन से छुटकारा मिल सकता है और इसमें हमें जल्दी फायदा असर कर सकता है ये। तो अगर आप भी अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही से गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। रोज सुबह एक गोली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और आपको बीमारी नहीं होगी। तो इसे हम प्रिकॉशन की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो ये सब बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। बाबा रामदेव कहते हैं कि आप मौसम बदलते ही अगर गिलोय का काढ़ा, पाउडर या गोलियां लेते हैं तो डेंगू और चिकनगुनिया होगा ही नहीं। इतना ही नहीं, जो लोग नियमित रूप से गिलोय का सेवन करते हैं उन पर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता ही नहीं है। बैक्टीरिया को रोकने और फैलने से बचाने का सबसे बड़ा काम गिलोय करता है। बाबा रामदेव कहते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही स्थिति में गिलोय का सेवन करें। बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया में यदि आप गिलोय लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आप यदि गिलोय का ताजा रस पियोगे तो एक ही दिन में 25,000 तक प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। तो गिलोय का सेवन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो आप गिलोय के पत्ते को खाएं, या फिर आप गिलोय घन वटी जो आती है मार्केट में पतंजलि, या फिर दूसरे जो आयुर्वेदिक ब्रांड है उसकी जो दवा आती है वो, उसका सेवन आप कर सकती हैं। नहीं तो गिलोय जूस भी आता है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गिलोय का पौधा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे डायरेक्ट जो है एक पत्ता रोज खा सकते हैं। मैं जानती हूँ काफी कड़वा होता है, पर अगर आप उसे पीस कर शहद के साथ लेंगे तो भी लाभ करेगा, और अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और पूरा पत्ता ही खाएं तो बहुत ही अच्छे फायदे होने वाले हैं। और अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो इसका अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप गिलोय का जूस पिएं। अगर गिलोय के जूस को भी आप पीने से डरते हैं, गिलोय घन वटी इजिली परचेस करके आप उसका सेवन रोज कर सकते हैं। इसे एक महीने तक लें, आपको फर्क महसूस होगा। अब मैं आपको बताती हूँ गिलोय में क्या क्या गुण हैं। ये हमारे लिवर की रक्षा करती है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को कम करती है, ये बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन के कारण तथा अन्य कारणों से होने वाले बुखार में बहुत प्रभावशाली है, ये बार बार आने वाले पुराने या निश्चित समय पर आने वाले बुखार को नष्ट करने की दवा है, ये बुखार में लीवर की रक्षा करती है, ये शरीर में सूजन को कम करती है, ये शरीर से विषैले पदार्थों को नष्ट करती है, ये जीवनीय रसायन है। इसे आप कब ले सकते हैं? पुराना बुखार, बार बार निश्चित समय पर आने वाला बुखार, मच्छर जनित बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, कमजोरी, धातु का पतला होना, सुजाक, मानसिक कमजोरी, हाथ पैर में जलन, बौद्धिक भ्रम, लिवर का रोग, लिवर की कमजोरी, रक्त शर्करा का बढ़ा स्तर, गठिया, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो कितनी मात्रा में गिलोय का सेवन करना चाहिए? अगर आप व्यस्क हैं तो गिलोय घन वटी की एक से दो गोली दिन में दो बार अथवा तीन बार लें।
छोटे बच्चे 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आधा गोली हम उन्हें दे सकते हैं। आप सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर आप हल्के गुनगुने पानी में शहद डालकर ले सकते हैं। इसका फायदा जो है वो दुगना हो जाएगा और आप शहद के बिना भी गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि फायदा होगा आपको। और गुनगुने पानी के साथ लेने का ये फायदा है कि ये वटी जो है पेट में जाकर जल्दी खुल जाती है, घुलने में इसको मदद मिलती है, क्योंकि वटी है तो वटी को अगर हम ठंडे पानी के साथ लेंगे तो घुलने में जो है परेशानी होगी। अगर गर्म पानी के साथ लेते हैं तो काफी जल्दी घुल जाएगा और इसे आप खाली पेट और खाने के बाद भी ले सकते हैं। पर अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहते हैं, बॉडी की सफाई करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय का सेवन करना चाहते हैं तो आप इसे खाली पेट लें। खाने के कम से कम 1 घंटे पहले आप गिलोय का सेवन कर लें, यानी कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं गिलोय की 1 या 2 गोली का सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। और 1 घंटे तक आप कुछ भी खाने पीने का सेवन ना करें, पानी पी सकते हैं आप, खाएं ना कुछ भी, तो देखिएगा आप 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी क्लींस हो जाएगी पूरी तरह से। आपकी बॉडी से जितने भी गंदगी है वो निकल जाएंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी काफी हद तक बूस्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए, कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले। इस दवा को अगर आप निर्धारित मात्रा में लेते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसे कुछ महीनों तक हम इसका सेवन कर सकते हैं, पर आप इसकी हैबिट ना बनाएं, यानी कि आप इसे सालों साल तक ना खाते रहें। कुछ महीनों तक खाकर इसे लेना बंद कर दें, फिर आप कुछ महीनों बाद जो है इसे ले सकते हैं। ये रक्त से शुगर लेवल जो है वो कम करती है, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप हमेशा अपना जांच करवाती रहें। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो 2 हफ्ते पहले से आप इसका सेवन बंद कर दें। गर्भावस्था में किसी भी हर्बल दवा का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक ये पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।